बेसिकली कंट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक, अपन वी कैन अंडरस्टैंड जस्ट बाय द नेम, नाम से ही हमें पता चलता है गर्भ निरोधक, यानी कि जो भी चीजें या जो भी दवाएं या जो भी तरीके गर्भ को रोकने का काम करें वो सब गर्भ निरोधक की श्रेणी में आते हैं। तो अब है कि इनका इस्तेमाल किसे करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिनको अभी बच्चे नहीं चाहिए या जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा किसी को यदि कोई बीमारी है जो उसकी प्रेगनेंसी में महिला के लिए या फिर बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है, जैसे कि लिवर डिजीज है किसी को, SLE जैसी बीमारी है, अनीमिया है, उनकी कई बीमारियां होती हैं जो जन्म से होती हैं, जिनको इस तरह की बीमारियां हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। या हार्ट डिजीज है, कोई ऐसी कुछ कुछ ऐसी हार्ट डिजीज होती हैं, दिल की बीमारियां जो गर्भावस्था के साथ ठीक रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं हार्ट की जो गर्भावस्था, जैसे आइसनमेंगर सिंड्रोम, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऐसी बीमारियां गर्भावस्था में महिलाओं को और नुकसान पहुंचा सकती हैं, इतना नुकसान पहुंचा सकती हैं कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो जिन लोगों को इस तरह की बड़ी बीमारियां हैं उनको गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी ओसी पिल होती है या गर्भ निरोधक गोली होती है नॉर्मल भाषा में, उसमें दो चीजें होती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब इनकी मात्रा ज्यादा कम होती रहती है, उस मात्रा के हिसाब से इन्हें हम जेनरेशंस में डिवाइड करते हैं। अब और भी अच्छी अच्छी ओसीपिल्स आ गई हैं मार्केट में, ये सारी ओसीपिल्स में ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है तो इनका साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। इनके और भी बहुत फायदे हैं गर्भ निरोध के अलावा, जैसे कि PID बोल के एक इन्फेक्शन होता है महिलाओं में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिन महिलाओं को सफेद पानी की शिकायत, पेट में निचले हिस्से में दर्द बना रहता है, ये उसमें कारगर है। महावारी की समस्या जिन महिलाओं को आती है, आगे पीछे महावारी होती है, ज्यादा खून जाना, कम खून जाना, 3-4 महीने तक ब्लीडिंग ही ना होना, उन सब महिलाओं में ये पीरियड्स को रेगुलर करती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसे बड़े कैंसर से भी ओसीपिल्स हमें बचाती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को डिसमेनोरिया यानी कि महावारी के समय पेट में दर्द की शिकायत रहती है, ये उनसे भी निजात दिलाती है। और उम्र के साथ साथ कुछ बीमारियां महिलाओं में बहुत कॉमन हो जाती हैं बच्चेदानी में, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इन सब महिलाओं को अगर सर्जरी नहीं करानी है, ऑपरेशन नहीं करानी है, तो ये दवाएं सबका बहुत ही कारगर इलाज। बहुत सी महिलाओं को हमने ट्रीटमेंट दिया है और उससे उन्हें बहुत फायदा भी पहुंचा है। किसी महिला का एक ही बच्चा है, उसे आगे और बच्चे चाहिए, तो उसे ऐसा उपाय चुनना चाहिए जो कि परमानेंट ना हो, यानी कि नसबंदी एक ऐसा ऑपरेशन है जो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन है, यानी कि उसके बाद उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ऐसी महिला को ऐसे उपाय चुनने चाहिए जो कि बाद में रिवर्सिबल हो, जैसे कि कंट्रासेप्टिव पिल, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी के बारे में अगर बात हो रही है तो मैं एक चीज दूर करना चाहूंगी। लोगों के मन में बहुत शंका रहती है आम जनता के मन में कि कॉपर टी लगाने से बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है या बच्चेदानी में कैंसर हो जाता है, ऐसी बहुत आम धारणा है। मैंने बहुत महिलाओं को देखा है कि वो इस डर से कॉपर टी नहीं लग पाती कि मेरी बच्चेदानी में कैंसर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि कॉपर टी लगाने से बच्चेदानी में कैंसर हो जाता है। कॉपर टी एक ऐसा डिवाइस है, दो तरह के कॉपर टी सरकार ने प्रोवाइड कराए हैं, एक कॉपर 375 जो 5 साल तक रह सकता है, और कॉपर टी 300 जो कि 10 साल तक बच्चेदानी में बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी परेशानी के रख सकते हैं आप। और उसका सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा दवाओं, जैसे अब दवाएं हैं उनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो हैं, जिनको सूट करती है उनके लिए बहुत अच्छा है, पर शरीर में उसका इफेक्ट आने में थोड़ा समय लगता है। तब तक महिला को कभी नौजिया हो रहा है, कभी थोड़ी बहुत जी मिचला रहा है ना, तो ये सब चीजें लगी रहती हैं। कॉपर टी एक ऐसी चीज है जो आपको ना ही रोज याद रखनी है, ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट है। एक बार बच्चेदानी के अंदर डाल दी डॉक्टर ने तो वो 5 या 10 साल तक वैसे की वैसी ही रह सकती। और अगर किसी इंसान को चूज करना है कि उसको कौन सा गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसका सबसे पहला हो गया कि उसको और बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है उसको उससे भी बचाव चाहिए, तो कॉन्डम उस पर्सन के लिए बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि कॉन्डम एक ऐसी चीज है जो कि प्रेगनेंसी को भी रोकता है, दवाओं का साइड इफेक्ट जो हो सकता है वो भी उसके साथ नहीं होता है, और तीसरी चीज इन्फेक्शन, महिला से पुरुष में या पुरुष से महिला में कोई भी इन्फेक्शन नहीं जाएगा। STDs, HIV, सिफिलिस, इन सबसे बहुत बड़ा बचाव कराता है कॉन्डम।
इसको बैरियर कंट्रासेप्शन कहते हैं। इसके अलावा एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है किसी भी कंट्रासेप्टिव की, कि उसको कितना यूज करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग कोई कंट्रासेप्टिव यूज ही नहीं करते हैं, विथड्रॉल मेथड करते हैं कि वो पानी बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये सबसे सबसे खराब उपाय है। इसका फेलियर रेट लगभग 3-8% है। अभी मेरे क्लिनिक में इतनी महिलाएं आई हैं जिन्होंने सिर्फ विथड्रॉल मेथड यूज किया और अनचाहे गर्भ से वो परेशान होकर आई। इसलिए ये उपाय कृपा करके ना यूज करें। आपको यूज कर नहीं करना है तो बच्चा चाहिए आगे, आपको स्टेरिलाइजेशन नहीं कराना है, प्लीज यूज कॉन्डम्स। अगर उसको बच्चा चाहिए तो वो कभी भी जाकर कॉपर्टी निकालना बहुत ही आसान चीज है। उसके लिए ना ही भर्ती होना होता है, ना ही कोई बेहोशी लगती है। आप क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर एग्जामिन करके कॉपर्टी की थ्रेड दिख रही होती है एग्जामिनेशन में, वो थ्रेड खींच के बस कॉपर्टी निकाल दी जाती है। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है और उसके तुरंत बाद ही वो प्रेगनेंसी का ट्राई कर सकती है। पिल्स के साथ भी यही है, आप ओसी पिल्स खा रहे हो, अगर गर्भ निरोधक गोलियां खा रहे हो, आप उसको बंद करोगे उसके तुरंत बाद आप ट्राई कर सकते हो प्रेगनेंसी के लिए। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं कॉपर्टी के, मैं मानती हूँ। ब्लीडिंग हो सकती है, 2% महिलाओं में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन अब यही है कि हर चीज हर किसी को सूट शायद ना करती हो। 99% ऑफ द जनता में कॉपर्टी बहुत ही कारगर मानी गई है। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि ब्लीडिंग हो रही है या सफेद पानी ज्यादा जा रहा है, उस स्थिति में भी पहले हम कॉपर्टी निकालते नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज शरीर के लिए अगर नहीं है तो उसे शरीर में एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। तो लोग इतनी जल्दी घबरा जाते हैं कि मुझे ऐसी ब्लीडिंग हो रही है, मेरा सफेद पानी जा रहा है, तो आप निकाल दो मैडम। लेकिन उनको भी पहले हम कोशिश करते हैं कि हम दवाएं दें जिससे उनकी ब्लीडिंग कम हो जाए या इन्फेक्शन कम हो जाए। जब तक वो दवाओं का सेवन करती हैं तब तक शरीर कॉपर्टी का आदि हो जाता है और उसके बाद ये परेशानियां अपने आप बंद हो जाती हैं। मेरी सलाह ऐसे लोगों को ये है कि थोड़ा समय दें उस डिवाइस को, शरीर को अभ्यस्त होने के लिए। गोलियों से साइड इफेक्ट, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है जी मिचलाना, उल्टी का एहसास होना, नौजिया होना, ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत पेन होना, इसके अलावा हल्का फुल्का पेट दर्द, ये सब। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा रहता है, ये सब शुरुआती दिनों में रहता है। हर चीज की, चाहे वो दवा हो, चाहे गोली हो, चाहे वो कॉपर्टी हो, सबके साथ दिक्कत यही है थोड़ी सी कि शरीर को अभ्यस्त होने के लिए समय चाहिए। लोग उतना इंतजार नहीं करते, वो घबरा जाते हैं कि ये दवा मुझे सूट नहीं हो रही है ना। तो बेसिकली यही साइड इफेक्ट्स हैं, सिर में दर्द होना है ना, ये बेसिकली गोलियों के साइड इफेक्ट हैं। कॉपर्टी का साइड इफेक्ट है वही सफेद पानी जाना, कभी कभी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना, महीने के बीच में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो जाना, ठीक है। लेकिन अब अगर हम कोई भी उपाय यूज करते हैं, बार बार अनचाहे गर्भ होने से अच्छा है कि अगर इस उपाय से थोड़ी दिक्कत हो रही है तो बोलते हैं ना कि बेनिफिट शुड आउटवे द रिस्क ऑफ एनीथिंग, बी इट एनी मेडिसिन। हम कोई नॉर्मल काम भी करते हैं, कोई हमने लैंड भी खरीदा, हमें डर है कि वो लॉस में चले जाएंगे हम, लेकिन हम ओवरऑल सारी चीजें सोच के खरीदते हैं कि हाँ बेनिफिट शुड आउटवे द रिस्क। वैसे ही इन गोलियों के साथ या इन सारे उपायों के साथ वही दिक्कत है, वही चीज है कि देयर बेनिफिट्स आउटवेज देयर रिस्क ऑलवेज। सो जस्ट गिव इट सम टाइम, थोड़ा समय दें उस डिवाइस को या उस गोली को शरीर में कारगर होने के लिए।